औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, नॉलेज फैक्ट्री में खुश आमदीद। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद अल्लाह की आखिरी किताब है, जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। इस किताब में हिदायत और रोशनी के साथ साथ क़यामत तक पेश आने वाले वाक़ियात की पेशगोइयाँ भी की गई हैं। ख़वातीन हज़रात, आज सारी दुनिया ज़मीन के मुसलसल बढ़ने वाले दर्जा हरारत से सख्त परेशान है, और हैरानी की बात यह है कि यह दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। ख़वातीन हज़रात, कुरान पाक की सूरत अंबिया में रब्बे कायनात फरमाते हैं, बल्कि हमने इनको और इनके बाप दादा को बर्तावा दिया, यहाँ तक कि इनकी ज़िंदगी दराज हुई, तो क्या ये नहीं देखते कि हम ज़मीन को इसके किनारों से घटाते आ रहे हैं, तो क्या ये गालिब होंगे। इसी तरह एक और जगह पर अल्लाह ताला का इरशाद है कि इन्होंने नहीं देखा कि हम ज़मीन को इसके किनारों से घटाते चले आते हैं, और खुदा जैसा चाहता है हुक्म करता है, कोई इसके हुक्म को रद्द करने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। इन दोनों सूरतों की आयात का तर्जमा देखें, अल्लाह ताला फरमाता है कि हम ज़मीन को इसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं। नाज़रीन, इस आयत को समझने के लिए आपको हम पहले ज़मीन का जुग्राफिया दिखाते हैं। याद रहे, माहिरीन के मुताबिक हमारी ज़मीन पर तीन हिस्से पानी और सिर्फ एक हिस्सा या इससे कम खुश्की है। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन पर 71% पानी और 29% खुश्की है। इस खुश्क हिस्से का कुछ फीसद पहाड़ों पर मुश्तमिल है और कुछ फीसद हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिसमें पूरा बरे आज़म अंटार्कटिका शामिल है, जहां बर्फ के अजीम शान ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं। साइंसदानों का कहना है कि जमीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, जिसकी वजह इंसान खुद है, जो अपनी इजादात, दरख्तों के कटाव और दीगर इकसाम की माहौलियाती आलूदगी फैलाने के सबब जमीन के इतराफ में मौजूद ओजोन की तह को खत्म कर रहा है, जिसकी वजह से सूरज की शुआएं छन कर आने की बजाय बराहे रास्त हमारी जमीन पर पड़ रही है और दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दर्जा हरारत बढ़ने के सबब जमीन पर मौजूद बर्फ के अजीम शान पहाड़ मुतासिर हो रहे हैं, और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पिघलने की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नतीजे में समंदरों में पानी की मकदार मुसलसल बढ़ रही है और सतह आब मुसलसल बुलंद हो रही है। चंद रोज पहले ही आलमी इदारों ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने के सबब कुतुब जनूबी में वाके बरे आजम अंटार्कटिका में 6000 मुरब्बा किलोमीटर बर्फानी तोदा शगाफ पड़ने की वजह से टूट कर खित्ते से अलग हो गया है, और सतह समंदर बुलंद होने से जमीन का खुश्क हिस्सा कम हो रहा है। यही नहीं, बल्कि कुछ इदारों ने तो बड़े शहर समंदर में गर्क होने की पेशगोई भी कर रखी है, जो समंदर के किनारे वाके है। ये वाकई हकीकत है कि दर्जा हरारत अगर इस तरह बढ़ता रहा तो बर्फ के अजीम शान ग्लेशियर पिघल जाएंगे और समंदरों में पानी की सतह बुलंद हो जाएगी, और यूं आहिस्ता आहिस्ता ये पानी जमीन को घेर लेगा। ख़वातीनो हज़रात, ये बात साइंसदान अब कह रहे हैं, लेकिन 1400 साल पहले कुरान पाक में इस बात की तरफ इशारा कर दिया गया था कि इंसान अपने आमाल, अपनी इजादात और तवानाई के बेजा और गैर महफूज इस्तेमाल की वजह से दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ाने का सबब बनेगा, जिसकी वजह से बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे और खुश्की का रकबा कम हो जाएगा। ऐन मुमकिन है कि सतह समंदर दुनिया के कई शहरों से बुलंद हो जाए, और समंदर का पानी जब शहर में दाखिल होगा तो पूरे के पूरे शहर समंदर का हिस्सा बन जाएंगे। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि अल्लाह ने किस कदर खुले अल्फाज में ये फरमाया है कि हम जमीन के किनारों को घटाते चले आए हैं। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी।
नाज़रीन वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिर्दोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।